ये तीन जो बहन है हमारी, उसमें से हमने निर्विशेष ब्रह्म का क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे, अब हम परमात्मा के श्लोक में यहाँ पे परमात्मा के विषय में बताया गया है कि परमात्मा कौन है। जी, योग शास्त्र में अंतर्यामी परमात्मा कहकर वर्णित किया जाता है, वे भी गोविंद के नीचे विस्तार के अंश है। तो ये भगवान के ये तीन पहलू हैं, भगवान गोविंद के, एक तो है ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान। इसका यहाँ पे शिक्षणदास कविराज गोस्वामी बताते हैं क्या परमात्मा, तो इन कुछ लोगों में 18 से लेकर श्लोक संख्या की सब ये इस बात का वर्णन किया है। फिर आगे जो है भगवान आनंद की गुण, तो आज हम परमात्मा कंप्लीट करेंगे। ठीक, क्योंकि थोड़ा समय भी, समय तो है लेकिन एक एक बात को समझना अच्छा है, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाता। तो यहाँ पे भगवान का वर्णन किया गया है, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वभाव से प्रसन्नचित है। भगवान स्वाभाविक रूप से, भगवान का स्वभाव स्वभाव है प्रसन्नचित, ये भगवान का स्वभाव। उनके अमोद प्रमोद या उनकी लीलाएं पूर्ण है, दिव्य है। गोरी भगवान की लीलाएं हैं, आज ये चल रही थी, भगवान प्रचारित होते हैं और अनेक तरह लीला करते हैं, उनके कार्यकलाप है, उनकी लीलाएं हैं, उनके गुण हैं, तो ये समझ लेता है। जैसे भगवान भगवत गीता में करें, जन्म ब्रह्म चले देवी हम पुनर्जन्म नहीं थी मामी की सोच, तो भगवान की कार्यकलाप सब कुछ जो है दिव्य है, और वे अस्तित्व के चतुर्थ आयाम में रहते हैं, क्योंकि यद्यपि भौतिक जगत लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई से प्रतिबंधित रहता है, किंतु भगवान अपने शरीर रूप तथा अस्तित्व में पूर्णतया होते हैं। वे भौतिक जगत के भीतर के किसी व्यापार से स्वयं जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो ये भी आज यही बात भी हो रही थी कि भगवान जो इस भौतिक जगत, वे भौतिक जगत के भीतर की किसी व्यापार से स्वयं जुड़े नहीं होते। इस बात पहले अष्टमिया भगवान इससे जुड़े नहीं है, फिर भी जुड़े कैसे, जुड़े उनकी शक्तियों के द्वारा, लेकिन एक्चुअली वे जुड़े नहीं है, उनकी शक्तियां से जुड़ना, तो ये बहुत जानना जरूरी है। भौतिक जगत के पुरुष अवतारों के विस्तारों के से सृजित होता है, पुरुष अवतारों के ये जो है वे जुड़े हुए किसी इस जगत के, ये सृजन पालन वगैरह, तो वे भौतिक जगत के किसी भी व्यापार से स्वयं जुड़े हुए नहीं है। भौतिक जगत उसके पुरुष अवतार के विचारों से सृजित होता है, जो समग्र भौतिक शक्ति तथा सारे बद्ध जीव का मार्गदर्शन करता है। मटेरियल कॉस्मोस, मटेरियल वर्ल्ड क्रिएटेड बाय एक्सपेंशन ऑफ पुरुष अवतार, पुरुष अवतार की एक्सपेंशन भी है, जैसे कि के तीन पुरुष अवतार एक्सपैंड होते हैं और एक्सपेंशन के एक्सटेंशंस के एक्सटेंशंस, जैसे ये नहीं, ये अभी जो अफेयर्स है, इस मटेरियल वर्ल्ड जो अफेयर्स है वो
ये लोग चला रहे भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं. द मटेरियल इज क्रिएटेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ पुशा ऑफ द डायरेक्ट द एग्रीगेट मटेरियल एनर्जी एंड ऑल द कंडीशंस. तो भौतिक जगत उनके पुशा के विचारों से शिक्षित हैं जो समग्र भौतिक शक्ति तथा सारीबद्ध जीवों का मार्गदर्शन करते हैं. पुशा अवतार के तीन विस्तारों को समझकर जीव भौतिक जगत के केवल 24 तत्वों के ज्ञान की अवस्था को पार कर सकते हैं. तो महाविष्णु के विस्तारों में से एक dimension of dimension exists. What does that mean? Masala, he is in the fourth dimension of existence. What is that? There is length, breadth and height. In a material. In the dimension of breadth and height. But he is in the fourth dimension, he is unlimited. Of the third dimension. Yes. But I am unlimited. So, that's what it is here. Namaste. So, samasta jeevon ke parmatma athva vidya purush ke roop mein गर्भाशय कहलाए. तो एक है शिरोधार चाहिए विष्णु जो प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा है. शिरोधार विष्णु कौन है? और समस्त जीवों के परमात्मा अथवा जो प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा कौन है? शिरोधार. और समस्त जीवों के परमात्मा अथवा द्वितीय पुरुष के रूप में गर्भाशय विष्णु कहलाए. तो here it is means total aggregate. Super soul of the total aggregate and super soul of individual. So understood the difference. They are alag hai. Ye jo bataya gaya hai ki jo pratyek jeev ki parmatma hai ve kaun hai? Shri Raksha Vishnu. Aur samasta jeev ki parmatma athva dvitiya purush ke roop mein ve parmatma hai Vishnu. Aur sankhya brahmando ke srishta ya adhikar athva param purush को काल नगर में चयन करते हैं वे महाविष्णु कहलाते हैं. ये तीनों पुरुष भौतिक जगत के व्यापारों का निर्देशन करते हैं. तीन कारणोदक्षय विष्णु ये संख्या ब्रह्मांड को करते हैं. और फिर गर्भदक्षय विष्णु जो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं उनका एक पहलू है. और हर एक कर्ण में या हर एक जीव में प्राण नारायण एक्चुअली यहाँ पर इसलिए बताई गई. ये इसलिए वर्ण माने जाए क्योंकि इस भौतिक जगत के वे क्या करते हैं व्यापारों के निर्देश निर्देश दे कि हर व्यक्तिगत जीव परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनः जागरूक करे. किशन योग ऐसी विधि है जिसे परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले पुरुष से संबंध स्थापित करने की करके भौतिक तत्व के प्रभाव का अतिक्रमण किया जा सकता है. योग है योग इसमें योग हमने पिछले पिछले पढ़ा था ना कि लोग हैं जो भगवान का नीता आ गया था इस प्रकार से अनेक जो रूप है अनेक अनेक प्रकार के जो रास्ते तीन रास्ते जो है कि ज्ञानी और योग इसका अनुभूति हो सकता है. निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति कैसे मिली है? ज्ञान और तत्वज्ञान से ये जो है और परमात्मा का अखिल अनुभूति कैसे योग तो यानी कंठ के द्वारा परमात्मा के साथ संबंध बन सकता है. योग कैसे मिली है? जिससे परमात्मा के रूप में आने वाले पुरुष से संबंध स्थापित करने का किया जा सकता है. प्रत्येक योग के द्वारा समाज तो भगवान को निर्णय में जो है देख सकते हैं हमको उनका अनुभव कर सकते हैं. जिस किसी ने सृजन की प्रक्रिया की जटिलता को बड़ी भांति अध्ययन किया है वह बड़ी सरलता से जान सकता है कि यह परमात्मा परम पुरुष कृष्ण के अंश है.
परमात्मा किसके अंश है? पर अब ये उदाहरण दिया जा रहा है, नेक्स्ट में ओपन इट ओके स्क्रीनशॉट। परमात्मा जी के विलक्षण प्रमुख साक्षी है। मनुष्य के बचपन काल को वर्ण के उस पिता जिसने उसे अनेक तरह से जाने लिखा है अपने उसे सुनता है। इस प्रकार अनेक जन्म में जिनके शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं तो परमात्मा सहय उनका है वे इसके भिन्न शरीरों में से गुजरने से हुए अलग का सेवा भी उस सारे का याद रखते हैं। तो ये परमात्मा के विषय में उदाहरण दिया गया कि समझे जिस प्रकार एक ही शरीर असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता है उसी प्रकार गोविंद परमात्मा रूप में समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के मनुष्य को अपने सुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
श्रीभागवतम का श्लोक है कि किस प्रकार से कुरु के पितामह भीष्म देव ने ये श्लोक किया, कहा था जब वे अपने जीवन के अंतिम काल में शय्या पर लेटे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम और युधिष्ठिर महाराज गए थे उनके पास, उनसे उनके उनसे उपदेश लेने के लिए, उनसे उनका जो उपदेश है उसको समझने के लिए, उनसे पता करने के लिए कि किस प्रकार से शासन करे। पर उस समय ये जो अंतिम जो उनका उन्होंने जो बात बताई है ये श्लोक है। तो जो ही भीष्म देव का अंतिम समय आ गया त्यों ही उन्होंने भगवान कृष्ण की ओर देखते हुए ये श्लोक का, ये भगवान की ओर देख के वो उन्होंने कहा कि मैं ये जान गया हूँ कि परमात्मा आपका अंश है। जिस प्रकार एक सूर्य अनेक व्यक्तियों के लिए देखने की वस्तु है, उसी तरह भगवान कृष्ण के एक अंश जो हर जीव में के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, विविध प्रकार से दिखलाई पड़ने वाले वाने वाली वस्तु है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को सनातन सेवा में अपने आप को लगातार उनके निकट संपर्क में आता है, वह परमात्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्थानीय अंश के रूप में देखता है। तो ये यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि परमात्मा जो है भगवान के स्थानीय अंश है। तो भीष्म देव जानते थे कि परमात्मा उन भगवान कृष्ण के अंश रूप है जिन्हें वे परम अजन्मे दिव्य रूप में समझते थे। तो ये परमात्मा के विषय में बहुत सारे प्रमाण बताए गए आज के कुछ लोगों द्वारा कि हमें समझना है कि परमात्मा कौन है। परमात्मा भगवान के स्थानीय अंश है और भगवद्गीता का सॉरी चैतन्य चरितामृत का हम जो पाठ कर रहे हैं इसमें हम ये जान पाएंगे और जानेंगे। और उसके बाद अब आएगा भगवान। तो भगवान के विषय में श्लोक संख्या 22 से लेकर 27 तक हम जानेंगे। ठीक है, तो भगवान कौन है हमने जान लिया। क्या कहते निर्विशेष ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, और अभी हम कल से भगवान के विषय में भी जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई